हेलो बच्चों, मैंने पिछले संडे कक्षा 10 विज्ञान विषय में अम्लों और अम्लों के गुण के बारे में आप लोगों को बताया था। आज मैं क्षारक और उनके भौतिक रासायनिक गुणों और लवणों के बारे में बताना चाहूँगा। क्षारक जो होते हैं इनको देखा जाए तो ये स्वाद में कड़वे होते स्वाद में कड़वे होते हैं। आयन देते हैं, जब जल में घोले जाते हैं तो जल में घोले जाने पर ये OH आयन देते हैं। अगर लिटमस पेपर पे इनको डाला जाए तो लिटमस पेपर पे इनका असर ये होता है कि लाल लिटमस को पेपर को नीला कर देते हैं। लाल लिटमस को नीला करते हैं। क्षारक जो होते हैं, जिस प्रकार से अम्ल होते हैं, अम्ल कई प्रकार के होते हैं। अम्लों के बारे में हमने बताया था, प्रबल अम्ल होते हैं और दुर्बल अम्ल होते हैं। उसी प्रकार से क्षारक भी प्रबल और दुर्बल होते हैं, जैसे KOH, इसको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक पोटास भी कहते हैं, साधारण बोलचाल की भाषा में कास्टिक पोटास कहते हैं। NaOH, इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। सामान्य बोलचाल की भाषा में कास्टिक सोडा कहते हैं इसको। CaOH का होल ट्वाइस, इसका नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। सामान्य बोलचाल की भाषा में इसे बुझा हुआ चूना कहते हैं। ये जितने भी क्षारक हैं ये सभी प्रबल क्षारक कहलाते हैं, प्रबल क्षारक हैं। इनको प्रबल क्षारक इसलिए कहते हैं क्योंकि जब इन क्षारकों को जल में घोला जाता है तो ये पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं, और पूर्ण रूप से आयनित होने के बाद OH आयन देते हैं। इसके अलावा कुछ क्षारक ऐसे होते हैं जो पूर्ण रूप से जल में आयनित नहीं होते हैं, इन क्षारकों को दुर्बल क्षारक कहते हैं, जैसे एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये जो क्षारक होते हैं ये दुर्बल होते हैं। इनको दुर्बल क्षारक इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पूर्ण रूप से जल में आयनित नहीं होते हैं। भौतिक गुणों की बात करें तो ये जितने क्षारक होते हैं, जब हम क्षारकों को छूते हैं तो क्षारक साबुन जैसे चिकने प्रतीत होते हैं। स्वाद में ये जो होते हैं कसैले या कड़वे होते हैं, और जब कभी लाल लिटमस पर पेपर पर डाले जाते हैं तो ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। रासायनिक गुण की बात करें तो रासायनिक गुणों की बात करें तो रासायनिक गुणों में जितने भी ये हमारे क्षारक होते हैं ये कई प्रकार के रासायनिक गुण प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि हम जब
धातुओं से क्रिया कराते हैं। नंबर एक, धातु कोई ले लें, जैसे जड़ियन धातु से क्षारक की क्रिया कराएंगे तो NaOH, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा की अगर हम क्रिया कराएंगे तो क्या होता है, सोडियम जिंकेट बन जाता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। जब धातुओं से ये क्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकालते हैं, H2 गैस बनती है और सोडियम जिंकेट बन जाता है, Na2 ZnO2, इसका नाम होता है सोडियम जिंकेट। अगर हम क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड से कराएं, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड COH का होल्टाइज होता है रिएक्शन लिखने के लिए, सुविधा के लिए हम क्या करेंगे, जो OH हैं इन OHों को दो तरफ की ओर मोड़ लेंगे। इसकी क्रिया अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड से कराएं, अर्थात चूने के पानी में अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं तो जल निष्कासित हो जाता है, ऊपर का H नीचे का OH ये दोनों HOH मिलकर के बना लेते हैं H2O प्लस, ये वाला O जो है वो CO2 में शामिल हो जाता है तो CO3 बन जाता है। इस प्रकार से CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। कुछ क्षारक होते हैं, अगर उनको हम गर्म करें तो क्षारकों को गर्म करने पर जल निष्कासित हो जाता है, जैसे MgOH का होल ट्वाइस या दोनों OHों को हम अलग अलग लिख लेंगे। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, इसको अगर गर्म करेंगे तो गर्म करने पर H और OH एक में निकल जाता है और HOH निकलने के बाद H2O बना लेता है और MgO या मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। क्षारकों का एक गुण और होता है, अगर क्षारकों में हम अम्ल मिलाते हैं, जैसे क्षारक हमने लिया NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड कह दें इसको, या हम इसको कास्टिक सोडा भी कहते हैं, इसकी क्रिया अगर HCl अम्ल यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराते हैं तो क्या होता है, इसका H और इसका OH निकल जाता है और HOH निकल करके H2O बना लेता है और प्लस Na और Cl जुड़ जाते हैं, तब NaCl सोडियम क्लोराइड या साधारण नमक बन जाता है। इस क्रिया में होता यह है, जब अम्ल की क्रिया क्षार से कराई जाती है तो अम्ल की अम्लता और क्षार की क्षारकता दोनों नष्ट हो जाते हैं और एक दूसरे को ये उदासीन कर देते हैं, इसलिए इस क्रिया को एक विशेष नाम भी दिया जाता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। ये उदासीनीकरण क्रिया है और जब अम्ल और क्षार की क्रिया कराई जाती है तो उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है और उदासीनीकरण अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा भी निकलती है और इस ऊष्मा को उदासीनीकरण ऊष्मा कहते हैं। ये आपके क्षारकों के कुछ परिचय हुआ और रासायनिक गुण, जो मुख्य रासायनिक गुण हैं वो हमने बताया आपको। इसके बाद हम आपको, इससे पहले कि हम बोर्ड को साफ करें, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें और इसके बाद हम सूचक बताएंगे। अब हम सूचकों के बारे में बताएंगे। ये सूचक विशेष प्रकार के पदार्थ होते हैं जिनको अगर अम्लीय माध्यम में रखा जाता है तो इनका रंग अलग होता है और जब इनको क्षारीय माध्यम में रखा जाता है तो इनका रंग अलग होता है। ऐसे पदार्थों को जिनका अलग अलग माध्यमों में रंग अलग अलग प्रकार का होता है उन्हें सूचक कहा जाता है। सूचकों का प्रयोग
प्रयोगशाला में जब प्रयोग किए जाते हैं तो अंत बिंदु ज्ञात करने के लिए अनुपापन में उदासीन बिंदु ज्ञात करने के लिए किया जाता है। सूचक कई प्रकार के होते हैं, कुछ प्राकृतिक सूचक होते हैं और कुछ जो होते हैं वो संश्लेषित सूचक होते हैं। यह ऊपर नीला लिटमस जो होता है, लाल लिटमस, हल्दी, ये प्राकृतिक सूचक हैं क्योंकि ये हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं और इनके रंग अलग अलग होते हैं। नीला लिटमस को अगर हम अम्लीय माध्यम में रखेंगे तो ये लाल होगा और क्षारीय माध्यम में उसका रंग नीला हो जाता है। लाल लिटमस अम्लीय माध्यम में तो लाल रहता है लेकिन क्षारीय माध्यम में नीला हो जाता है। इसी प्रकार से हल्दी जो सभी के घरों में उपलब्ध है, जब इसको अम्लीय माध्यम में रखा जाता है तो ये पीला रंग का रहता है और जब इसको क्षारीय माध्यम में रखा जाता है तो ये लाल भूरा हो जाता है। इसीलिए जो चूना होता है वो क्षार होता है, जब हल्दी में चूना मिलाया जाता है तो हल्दी का रंग लाल और भूरा हो जाता है। फिनोफ्थलीन यह संश्लेषित सूचक होता है, इसको अम्लीय माध्यम में जब रखा जाता है तो ये रंगहीन होता है, इसका कोई रंग नहीं होता है और क्षारीय माध्यम में ये गुलाबी होता है। जबकि मेथिल ओरेंज ये अम्लीय माध्यम में लाल रहता है और क्षारीय माध्यम में पीला हो जाता है। इस सूचकों के बारे में एक नंबर के सवाल पूछे जाते हैं और इसमें विशेषकर यही पूछा जाता है कि कौन से सूचक का किस माध्यम में कैसा रंग होगा, या ये पूछ लिया जाता है कौन से सूचक जो है प्राकृतिक सूचक हैं और कौन से सूचक जो हैं संश्लेषित सूचक हैं। सूचकों के बाद लवण आपके कोर्स में है। लवण क्या होते हैं? जब अम्ल, कोई भी अम्ल ले लें, उस अम्ल की क्रिया क्षार से कराई जाती है तो जल बनता है और उसके साथ में एक पदार्थ बनता है जिसे कहते हैं लवण। तो इस प्रकार से लवण को हम परिभाषित कर सकते हैं, अम्ल और क्षार की उदासीनीकरण क्रिया कराने पर जल के अतिरिक्त जो कुछ बनता है उसे लवण कहते हैं। कुछ लवण बना करके आपको बताते हैं, जैसे अम्ल के रूप में हमने ले लिया HCl, इसकी क्रिया क्षार NaOH से करा दी तो क्या होता है, Cl और Na एक में निकल गया तो आगे बन गया NaCl और H और OH मिलकर के बना लिया H2O। ठीक, यहां पे ध्यान देना है कि Cl और Na को हमने NaCl लिखा है, तो यहां पे आप लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है, जब Cl पहले था और Na बाद में था तो Cl Na क्यों नहीं लिखा, क्योंकि कोई भी यौगिक जो होता है उस यौगिक में जो धन आयन होता है वो पहले लिखा जाता है और ऋण आयन या ऋण मूलक जो होता है वो हमेशा बाद में रखा जाता है। आपने 9th क्लास में मूलकों के बारे में पढ़ा होगा, इसलिए NaCl लिखा गया ना कि Cl Na लिखा गया। NaCl यह सोडियम क्लोराइड है या इसका साधारण नाम नमक होता है। इसी प्रकार से हम कोई दूसरा अम्ल ले सकते हैं, दूसरा क्षार ले सकते हैं। जैसे अम्ल में हमने H2SO4 ले लिया और दूसरा क्षार के रूप में CaOH का होल ट्वाइस, दो बार OH लेंगे। CaOH का होल ट्वाइस का मतलब हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसमें क्या होता है, जब ये अम्ल और क्षार सल्फ्यूरिक अम्ल और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्रिया करते हैं तो Ca और SO4 निकल गया तो आगे बन जाएगा CaSO4, कैल्शियम सल्फेट लवण बनेगा और ये जो दो H हैं इन दो H में से एक H OH पे जाएगा तो H2, इसमें से एक H इस OH पे जाएगा तो H2O, इस प्रकार से 2H2O बन गया। अब यहाँ भी जल के अलावा जो बना, जल के अलावा CaSO4 बना। CaSO4 क्या है,
कैल्शियम सल्फेट है, ये क्या है लवण है। तो लवण क्या होते हैं, जब अम्ल और क्षार की क्रिया कराई जाती है तो जल के अलावा जो चीज बनती है उसे लवण कहते हैं। अब आपके कोर्स में कई लवण हैं, उन लवणों के बारे में एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। ऐसा मैंने सोचा है कि अम्ल और क्षार और आपके सूचक हो चुके हैं, आगे आपके सिलेबस में तीन चार जो लवण हैं जैसे ब्लीचिंग पाउडर है, नौसादर है, धावन सोडा है और जो सोडियम बाइकार्बोनेट या जो बेकिंग सोडा है, इसके बारे में अगले वीडियो में आपको लवणों के बारे में मैं बताऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।